है पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाने का फॉर्मूला, एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का फॉर्मूला। ओके, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, बस खत्म। जैसे आई सा, सब्जेक्ट क्या था इसमें सा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैंने आपको वर्ब की तीनों फॉर्म्स करवा रखी हैं, वर्ब की उनके बारे में आपको पता है। तो आई सा, यस। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का फॉर्मूला। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जी बिल्कुल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं इसका, आई सा का। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सी सा सी, क्या आएगी, सी, आई डिड नॉट सी। ओके, तो कितना इजी है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट। ओके, अब इन सेंटेंसेस को आप आगे भी बढ़ा सकते हो। आई सा अ लायन एंड ही लीव, यहाँ पे भी खत्म कर सकते हैं, इन दिल्ली। ओके, सो बच्चों आई होप आप सबको पता चल गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस किन को बोलते हैं, कि जो काम पास्ट में ही शुरू हुआ, भूतकाल में ही शुरू हुआ और भूतकाल में ही समाप्त हो गया, वो क्या होते हैं, सिंपल पास्ट टेंस उनको बोलते हैं। और इनको बनाने का फार्मूला क्या है, सेंटेंस बनाने का फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ओके, और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का फार्मूला, इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है एंड सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड इसकी पहचान क्या है, कि इसमें कहीं भी ना तो हेल्पिंग वर्ब आती है और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप बताना कि वो क्या है। आई वी, तो ये क्या है, इसमें कौन सी फॉर्म आ रही है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो ये क्या है, जो भी हो बट ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो नहीं है, है ना, तो ये नहीं है। अब मैं लिखूं आई वेल, तो इसमें सेकंड फॉर्म आ रही है, तो ये क्या है, और ना ही इसमें हेल्पिंग वर्ब आ रही है कोई, तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि क्या होते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।